एक रोते हुए बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता के उस दर्द को देखकर यही कहेंगे, सियासत तो बेदर्द। बीजेपी नेता कह रहा है, तड़पते मन से कह रहा है, अपनी ही सरकार में जितना जलील हुआ उतना सपा में भी नहीं हुए। जमीन पर काम करने वाले बीजेपी नेता का हाल बेहाल। बीजेपी के सर्वे सर्वाओं पर उठने लगे सवाल। अपनी सरकार में जितना जलील हुआ है, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है। कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गयी। 40 साल से बीजेपी में, लेकिन इन्हें बीजेपी से क्या सिलसिला मिला, कितनी रुसवाई झेलनी पड़ रही है। आंखों से छलकते आंसुओं और लड़खड़ाती आवाज से निकले शब्द को सुनकर समझ जाएंगे, एक एक शब्द बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, मानो आत्मा पर ही चोट पहुंचा। अब बीजेपी के परमात्माओं को अपने दर्द से वाकिफ करा रहे हैं, कह रहे हैं 40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहा हूं, क्या जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं वो उस सेवा का नजराना है। इनकी जिंदगी तो अब रुसवाइयों दुश्वारियों के अफसाने से गुजर रही है। आस का सब्र टूटा है, उम्मीदें जब टुकड़े टुकड़े हो गई, आंखों से बहते हुए चीख से आवाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी में कोई है, अगर कोई है क्यों नहीं मेरी आवाज उन तक जा रही है, क्यों नहीं मेरे दर्द का इलाज बता रहे हैं। लगता है बीजेपी में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अफसरों के दरवाजे के चक्कर लगा लगा कर जूते घिस गए, बीजेपी के बड़े नेताओं से फरियाद लगा लगा कर आज तो अब बेहोश सी हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये नंदलाल है, बलिया के रहने वाले हैं। 40 साल से बीजेपी के लिए जमीन पर खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया। अब रोते हुए नंदलाल का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और रो पड़े। उन्होंने कहा कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है, जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते हुए। दो बार मारपीट भैलो का मुकदमा हमारा दर्ज ना भैल, मेडिकल करोनी मुकदमा दर्ज ना भैल, लेखे मुकदमा दर्ज भैल, अपनी सरकार में इतना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी, और प्रशासन एकदम सरेंडर हो गया है दलालों के सामने। इस जिले पर दलाल हावी हो गए हैं, कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गए, आज यही ये दिन देव के देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गए, पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत करो, यही दिन देखे खातिर SDM साहब कहा था कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते, हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा। बलिया के बीजेपी नेता नंदलाल वीडियो में कह रहे हैं कि जितना जलील हम अपनी ही सरकार में हुए हैं उतना जलील सपा के सरकार में भी नहीं हुए थे। दो बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवाए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस जिले में दलाल हावी हो गए हैं, 40 साल तक दौड़ते दौड़ते शरीर खराब हो गया, पूरी जिंदगी बीत गई है बीजेपी के लिए राजनीति करते करते। ये दिन देखने के लिए बीजेपी नेता नंदलाल ने फोन पर किसी से बात करते हुए ये बातें कही हैं। इस दौरान वो रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बातचीत से लग रहा था कि नंदलाल भूमि विवाद से परेशान है। वीडियो सामने आने के बाद ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या अंधभक्त अपने पुराने नेता को इतने बुरे हाल में देखकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे? क्या अंधभक्त अब रोएंगे नहीं? क्या अंधभक्त बीजेपी के लोगों को गालियां नहीं देंगे? ये किस प्रकार के बेशर्म लोग हैं? एक और यूजर ने लिखा, मैं सच बता रहा हूँ, आज के टाइम में बीजेपी में आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया वो इसी हालत में जी रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं चलाते और ट्रोल नहीं है। सच्चे कार्यकर्ता रहे समर्पित, लेकिन इज्जत कुछ नहीं है, ट्रोलर्स मलाई चाप रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, भाजपा से किसी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। वहीं एक अन्य ने लिखा, 40 साल से बीजेपी के लिए राजनीति करने वाले नेता का ये हाल है तो सोचिए जनता का क्या होगा। एक सोशल मीडिया यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, योगी बाबा के राज्य में गुंडागर्दी, जमीन जायदाद पर कब्जा करने वाले तो यूपी छोड़कर कब का भाग गए। एक अन्य ने लिखा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है। अब ये सब देखकर आप कहेंगे बीजेपी नेता नंदलाल को क्या करना चाहिए, उनके पास न्याय प्राप्त करने का अब कौन सा रास्ता बचा है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी सरकार में इतना जलील हुआ है आदमी, सपा की सरकार में भी उतना जलील नहीं हुआ है आदमी, कार्यकर्ता 40 वर्ष दौड़त दौड़त आदमी के शरीर खराब हो गए, आज ये दिन देव के देखे खातिर भाजपा के आदमी काम गए, पूरा जिंदगी बीत गई भाजपा के राजनीति करत करो, यही दिन देखे खातिर SDM साहब कहा था कि वो लोग सहमत नहीं है, हम पैमाइश नहीं करा सकते, हम कहेंगे कि जो अवैध कब्जा कर रखा है वो सहमत कभी होगा।